नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो रीड से संबंधित यूनिट थर्ड चल रही है उसका पार्ट नंबर सेकेंड प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हमने इस प्रथम पार्ट में 1 से लेकर 43 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 44 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प नहीं है। एक स्थल और नेतृत्वकर्ता से संबंधित ये विकल्प दे रखे हैं, तो इसमें असंगत नहीं है वो आपको बताना है। मतलब असंगत नहीं है मतलब वो संगत है, सही है। तो यहाँ 3 तो गलत हैं, 1 सही है। देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन 1 में है कलकत्ता, नाना साहब व तात्या टोपे से संबंधित हैं। तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। उड़ीसा से संबंधित दीवान मणिराम व कंद्रपेश्वर हैं। अवध से संबंधित सुरेंद्र शाही व उज्ज्वल शाही है। और असम से संबंधित बेगम हजरत महल है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन 1। कलकत्ता में क्रांति के नेतृत्वकर्ता नाना साहब व तात्या टोपे थे। दीवान मणिपुर व कंद्रपेश्वर जो थे ये असम से संबंधित नेतृत्वकर्ता थे। सुरेंद्र शाही व उज्ज्वल शाही ने उड़ीसा में नेतृत्व किया था क्रांति का, और बेगम हजरत महल ने अवध से क्रांति का नेतृत्व संभाला था। झांसी से क्रांति का नेतृत्व संभालने वाली थी लक्ष्मीबाई, और बरेली में क्रांति के नेतृत्वकर्ता थे बहादुर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। पहला इसमें क्वेश्चन है, क्रांति 1857 से संबंधित सत्य कथन नहीं है। तो यहाँ सत्य नहीं है के बारे में पूछा है कि कौन सा गलत कथन है। 3 सत्य हैं, 1 असत्य है, गलत है। पंजाब की सिख सेना और नेपाल की गोरखा सेना ने विद्रोहियों का साथ दिया था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह दिल्ली को दिल्ली से कैद करके रंगून जेल भेजा था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी पहुंची थी। जनरल नील ने बनारस और इलाहाबाद को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। तो इसमें जो सत्य कथन नहीं है, जो गलत कथन है वो है ऑप्शन 1। पंजाब की सिख सेना और नेपाल के गोरखा सेना ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था, बल्कि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। कैनिंग ने मद्रास, बंबई, बर्मा व लंका से सेना बुलाई थी। 46 नंबर क्वेश्चन है, समाज सुधारकों से संबंधित गलत कथन कौन सा है। राजा राममोहन राय का जन्म राधानगर बंगाल के जमींदार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर व ज्योतिबा फूले ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दिया था। सैयद अहमद खान ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। तो इसमें से जो गलत कथन है वो है ऑप्शन 3। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान के द्वारा नहीं बल्कि श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 ईस्वी में खोला था। 47 नंबर क्वेश्चन है, गलत कथन कौन सा है वो आपको बताना है, मतलब असत्य कथन इनमें से छांटना है। सावित्री बाई फूले ने सत्य शोधक समाज पुणे की स्थापना की थी तथा गुलामगिरी पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई थी। सैयद अहमद खान ने हिंदू मुसलमान को भारत माँ की दो आंखें कहा। नरेंद्र दत्त मतलब विवेकानंद को गुरु परमहंस ने वी दिशानंद तथा खेतड़ी महाराज ने विवेकानंद नाम दिया था।
दयानंद सरस्वती व उनके अनुयायियों का मानना है कि लोगों को वेदों का सार समझ में आ जाने पर हिंदुस्तान की समस्याओं का हल मिल जाएगा। तो इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन एक है। सावित्रीबाई फुले ने नहीं किया सत्य शोधक समाज की स्थापना, बल्कि इनके पति ज्योतिराम फुले ने की है। उन्होंने ही ज्योतिबा फुले ने की है इन्होंने ही सत्य शोधक समाज और गुलामगिरी पुस्तकें लिखी थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना पुणे में की गई थी। सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 48 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। इसकी स्थापना के समय इसके जनरल सेक्रेटरी कौन थे? लॉर्ड डफरिन, एलन ऑक्टेवियन हूम, वेडरबर्न, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ऑप्शन बीस का राइट हो जाएगा, ए ओ ह्यूम इसके जनरल सेक्रेटरी थे। 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में गवर्नर जनरल, ये इसकी स्थापना की गई थी बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में 28 दिसंबर 1885 को। और जो ऑप्शन ए है लॉर्ड डफरिन, ये उस समय गवर्नर जनरल थे। वेडरबर्न जो थे उन्होंने 1889 में बम्बई में अध्यक्षता की थी और महिलाओं ने प्रथम बार यहाँ भाग लिया था। प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, लाला लाजपत राय ने डफरिन के दिमाग की उपज बताया किसको? सेफ्टी वॉल को। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो राष्ट्रीय कांग्रेस की बनी वो सरोजनी नायडू बनी 1925 में कानपुर अधिवेशन के तहत। फिर तीन आंगल मराठा संघर्ष यहाँ नीचे दिए गए हैं, उनसे संबंधित फैक्ट हैं। प्रथम आंगल मराठा संघर्ष 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य हुआ। इसमें क्या हुआ, सूरत संधि हुई 1775 से, और फिर पुरंदर की संधि 1776 में। तेलगांव युद्ध के बाद बड़ागांव संधि हुई 1779 को। फिर सालवाई की संधि हुई 1782 को, और इस सालवाई संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ। तो ये तो प्रथम आंगल मराठा संघर्ष से संबंधित संधियां हैं। द्वितीय आंगल मराठा संघर्ष हुआ 1802 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक। इस समय पेशवा बाजीराव द्वितीय ने बेसिन संधि 1802 में तथा 1803 को भोसले के साथ देवगांव और सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि की गई थी। ये हुआ था द्वितीय आंगल मराठा संघर्ष के दौरान। फिर तृतीय आंगल मराठा संघर्ष के का समय था 1817 से 1818। इस समय 1817 में पूना संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित सत्य कथन नहीं है। पहला है, महाराष्ट्र में मराठा जो अंग्रेजी भाषा से संबंधित है और केसरी मराठी भाषा से संबंधित है, समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध लेख प्रकाशित किए हैं। ऑप्शन दो है, शिवाजी व गणपति उत्सवों के माध्यम से देश में नई जागृति पैदा की। तीसरा ऑप्शन है, तिलक ने कहा अंग्रेज नौकरशाही से अनुनय विनय करने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है, तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। तो इसमें जो सत्य कथन नहीं है वो है ऑप्शन चार, तिलक को भारतीय शांति का नहीं बल्कि भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ये उग्रवाद से संबंधित थे तो उग्रवाद का जनक भी इनको कहा जाता है। अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना इनके द्वारा की गई, जिसके अध्यक्ष जोसेफ बेप्टिस्टा थे। 15
50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन है कौन सा है वो आपको बताना है। पहला है बंगाल विभाजन 1905 को हुआ, इसमें देश से स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन दो है लाला लाजपत राय पंजाब से संबंधित, विपिन चंद्र पाल बंगाल से संबंधित और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से संबंधित थे जो नरम दल के प्रमुख नेता थे। तीसरा ऑप्शन है दिल्ली दरबार जो दिसंबर 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा इस दिल्ली दरबार में की गई थी। चौथा है दिल्ली शाही दरबार में ही राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन दो, लाल बाल पाल जो हैं ये गर्म दल के नेता थे ना कि नरम दल के नेता। इस बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो 20 जुलाई को हुई थी और ये 16 अक्टूबर से लागू हुआ था, इसलिए 16 अक्टूबर को शोक दिवस कहा जाता है और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 51 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सत्य कथन नहीं है, तो इसमें सत्य कथन नहीं है वो बताना है। पहला है रोलेट एक्ट 1919 के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। ऑप्शन दो है वैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा पर डायर ने गोलीबारी की जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 1000 लोग शहीद हुए थे। उद्धम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर की हत्या की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 8 सदस्यीय हंटर कमेटी की स्थापना की गई। तो इसमें जो गलत कथन है वो बताना है वो है ऑप्शन दो, इसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग शहीद हुए माने जाते हैं, मगर करीब वास्तविक सच्चाई के अनुसार करीब 1000 से अधिक लोग शहीद हुए थे। तो यही कथन इसमें गलत है। कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात समिति का गठन किया था। चिमनलाल जगत नारायण साहबजादा सुल्तान अहमद हंटर कमेटी के भारतीय सदस्य बने थे। 52 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन ढूंढना है, यहाँ भी आपको जो गलत है वो ढूंढना है। 6 सदस्य साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई पहुंचा, एक भी भारतीय नहीं होने पर इसका विरोध किया गया था। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ तथा सांडर्स द्वारा लाठियों से पीटकर उनकी हत्या की गई थी। भगत सिंह ने देश की बहरी जनता को जगाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया था। चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया था। तो इसमें गलत कथन है ऑप्शन 4, भगत सिंह सुखदेव गुरुदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ाया था ना कि 23 चंद्रशेखर आज़ाद को। चंद्रशेखर आज़ाद को 27 फरवरी को फांसी पर चढ़ाया था, फांसी पर नहीं, ये आज़ाद जो थे ये 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए थे। इन्होंने प्रण किया था कि ये कभी भी जीवित नहीं पकड़े जाएंगे और इन्होंने अपनी गोली से स्वयं आत्महत्या कर ली थी। भगत सिंह ने सांडर्स की हत्या की थी और भगत सिंह राजदेव सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा हुई थी। 53 नंबर क्वेश्चन है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हेमू कालानी के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये जो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। सावरकर को लंदन में उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए छात्रवृत्ति का प्रबंध भी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था।
हेमू कालानी ने क्या किया था? 1942 को हथियारों से भरी अंग्रेज़ों की जो रेलगाड़ी थी उसको रोहिणी जो सिंध में पड़ता है वहाँ लूटने का प्रयास किया, किंतु पकड़े गए। और जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने ICS की परीक्षा पास की परंतु नौकरी नहीं की। और बोस दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, एक बार 1938 को हरिपुरा अधिवेशन में, फिर 1939 को त्रिपुरी अधिवेशन में। फिर त्रिपुरी अधिवेशन से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और नेहरू जी ने और जो नेहरू जी हैं इन्होंने 1929 लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता की, 1936 लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता की और 1937 फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की। नेहरू जी तीन बार इसके अध्यक्ष रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 1908 आगे है द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले व महादेव गोविंद रनाडे द्वारा स्थापित है। और सेवा सदन जो है ये बहराम जी मालाबारी द्वारा स्थापित है। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस और दामोदर सावरकर इनसे संबंधित गलत कथन है कौन सा है? तो बोस और सावरकर से संबंधित कथन दे रखे हैं उनमें से गलत बताना है। सुभाष चंद्र बोस ने 1946 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई। दामोदर सावरकर ने पूना में तिलक के संपर्क में ये आए तथा उन्हें अपना गुरु बनाया। ब्रिटिशों द्वारा मारिया जहाज से बंबई ये लाए गए परंतु वो वहाँ से छूटकर भागे परंतु फ्रांस की सीमा पर ये फिर से पकड़े गए। तो इनमें से गलत कथन है वो है ऑप्शन एक। बोस ने 1946 को नौसैनिक विद्रोह की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना उनके द्वारा 1943 ईस्वी में की गई थी। सुभाष चंद्र बोस का जो जीवन काल है इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को होता है और इनका देहांत 18 अगस्त 1947 ईस्वी को 1945 ईस्वी को होता है। दामोदर वीर सावरकर ने इंडिया हाउस को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया था। इनको 2 जन्म कारावास की सजा भी मिली थी। अंडमान निकोबार जेल में ये भेजे गए थे। भारत विभाजन का सावरकर द्वारा विरोध किया गया। सावरकर का जो जीवन काल है इनका जन्म 1883 ईस्वी को नासिक में हुआ और देहांत 1966 ईस्वी को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से प्रताप सिंह बारहट से संबंधित कथन आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, अगर मैं नौकरी करूँगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी रतनगटिया लिखकर दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ सहस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी। मेरी माँ को हंसाने के लिए सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। तो यहाँ प्रताप सिंह बारहट से के बारे में पूछा गया तो ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन पहला, अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा, ये कथन अर्जुन लाल सेठी का है। अर्जुन लाल सेठी का जन्म जयपुर में 1880 ईस्वी को हुआ और इनका देहांत अजमेर में 1941 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन सेकेंड है, मेवाड़ महाराणा को चेतावनी रतनगटिया लिखकर केसरी सिंह बारहट ने 1903 ईस्वी को भेजा जिसमें 1300 थे। फिर आगे है ऑप्शन थर्ड, रास बिहारी बोस व सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ सहस्त्र क्रांति की योजना गोपाल सिंह खरवा ने बनाई थी। इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये योजना बनाई थी। आर्य समाज से ये प्रभावित थे। नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन, प्यारेलाल साधु की हत्या का आरोप लगा कि इनमें से किन पर प्यारेलाल साधु की हत्या का आरोप लगा था और बाद में उनको हजारीबाग जेल में रखा गया।
अर्जुन लाल सेठी पर लगा था या राव गोपाल सिंह खरवा पर लगा था, केसरी सिंह बारहठ या प्रताप सिंह बारहठ। इनमें हजारीबाग जेल से संबंधित भी हैं, वो हैं केसरी सिंह बारहठ। केसरी सिंह बारहठ पर प्यारेलाल साधु की हत्या का आरोप लगा और हजारीबाग जेल में रखे गए। केसरी सिंह बारहठ का जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा में 1872 को हुआ और इनका देहांत 1941 ईस्वी को कोटा में हुआ। अर्जुन लाल सेठी जो हैं, ये निमाद हत्याकांड के आरोप में वेलोर जेल में बंद रहे, और राव गोपाल सिंह खरवा जो है वो अजमेर मेरवाड़ से संबंधित तथा सशस्त्र क्रांति 1915 के कारण तिहाड़ जेल में बंद रहे थे। प्रताप सिंह बारहठ को बरेली जेल में बंद रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन नहीं है वो आपको बताना है। पहला है, प्रताप सिंह बारहठ का जेल में यातनाओं के कारण 27 मई 1918 ईस्वी को देहांत हो गया था। जोरावर सिंह बारहठ ने मालवा वागड़ क्षेत्र में साधु अमरदास बिरागी के रूप में जीवन व्यतीत किया था। राव गोपाल सिंह खरवा ने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। जोरावर सिंह बारहठ ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स के जुलूस पर 1912 ईस्वी में बम फेंका था। तो इनमें जो सत्य कथन नहीं है वो है ऑप्शन है थर्ड। राव गोपाल सिंह खरवा ने क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्धमान विद्यालय की स्थापना नहीं की। वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल सेठी के द्वारा जयपुर में की गई थी। केसरी सिंह बारहठ व गोपाल सिंह के साथ मिलकर क्रांतिकारी संस्था का गठन किया गया था और प्रताप सिंह बारहठ को असनाड़ा रेलवे स्टेशन मास्टर ने धोखे से गिरफ्तार करवा दिया था। जोरावर सिंह बारहठ जो हैं वो केसरी सिंह के भाई हैं तथा ये आरा मर्डर केस के मुकदमे में पकड़े नहीं गए थे। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन से संबंधित गलत कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, 12वीं शताब्दी में वीर शैव मत की शुरुआत हुई जिसके अनुयायी लिंगायत कहलाए थे। शंकराचार्य ने बद्रीनाथ पुरी द्वारिका तथा श्रृंगेरी मठों की स्थापना की थी। थर्ड ऑप्शन है, वैष्णव मत के अलवार अनुयायी निर्गुण और राजस्थान के अनुयायी सगुण उपासक थे। फोर्थ ऑप्शन है, कालांतर में शैव मत वीर पशुपत व कापालिक संप्रदाय में बटा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन थर्ड जो है वो गलत कथन है। वैष्णव मत के अलवार अनुयायी जो हैं वो सगुण उपासक थे ना कि निर्गुण उपासक, और राजस्थान के जो अनुयायी हैं वो सगुण उपासक ना होकर निर्गुण उपासक है। तो निर्गुण यहाँ आता और सगुण यहाँ आता, ये उल्टे दे रखे हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म आंदोलन जो भारतीय ब्रह्म समाज से संबंधित है को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समाज सुधारकों से संबंधित सत्य कथन नहीं है। राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म के प्रभुत्व को रोकने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी जो वेद उपनिषदों पर आधारित है, तथा ब्रिस्टल नगर इंग्लैंड में वेदांत कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ऑप्शन दो है, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ 1834 में जो रचा गया था इसकी रचना उदयपुर प्रवास के दौरान की थी। ऑप्शन थर्ड है, विवेकानंद के बारे में हेराल्ड पत्र अमेरिका में लिखा कि इस संसद में वही सबसे महान हैं और भारत जैसे ज्ञानी देश में विदेशी धर्म सुधारकों को भेजना मूर्खता की बात है। फोर्थ ऑप्शन है, आचार्य तुलसी ने प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान और अनुवर्त आंदोलन का प्रसार किया
किया था। तो इसमें गलत कथन है जो है वो है ऑप्शन एक। ये ब्रिस्टल नगर जो है जहाँ पर वेदांत कॉलेज की स्थापना नहीं की गई थी, बल्कि कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ब्रिस्टल नगर इंग्लैंड जो है यहाँ पर इनका 1833 ईस्वी में देहांत हुआ था। बचपन में शिवलिंग पर चूहे को प्रसाद खाते देखकर मूर्ति पूजा से विश्वास किसका उठा था? दयानंद सरस्वती का। और जो विवेकानंद हैं उनको वेदांत दर्शन के अध्येता कहा जाता है। विवेकानंद वेदांत दर्शन के अध्येता माने जाते हैं। आचार्य तुलसी जो हैं इनका जन्म झूमरमल खटेड़ जो ओसवार हैं तथा बदनाजी के घर नागौर में हुआ था। बदनाजी इनकी माता का नाम है 1914 ईस्वी को, और इनका निधन जो हुआ था वो 1997 ईस्वी को गंगानगर में हुआ था। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। गलत विकल्प कौन सा है? पहला है आचार्य तुलसी ने अणुवर्त विचार 1 मार्च 1949 ईस्वी को 10,000 श्रोताओं के समक्ष सरदार शहर में रखे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था सौ राज्य में कितनी भी बुराइयां क्यों न हो, विदेशी राज्य से सदैव अच्छा है। कि खुद के राज्य में कितनी भी बुराई हो वो विदेशी राज्य से अच्छा है। विवेकानंद ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। फोर्थ है ब्रह्म समाज संस्था को देवेंद्रनाथ टैगोर व केशव चंद्र सेन ने राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद आगे बढ़ाया था। तो इसमें असत्य जो कथन है वह ऑप्शन है थर्ड। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने वाले थे दयानंद सरस्वती, ना कि विवेकानंद। आचार्य तुलसी जो ऑप्शन एक है, इन्होंने 11 वर्ष की आयु में 13 पंथ के अष्टमाचार्य कालोगनी से दीक्षा ली थी और 22 वर्ष की आयु में जैन श्वेतांबर धर्म के 13 पंथ संप्रदाय के 9वें आचार्य ये बने थे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, इनका जो आर्य समाज था वो शुद्धि आंदोलन में विश्वास रखता था। और जो अणुवर्त है इसमें विचित्र नियम दिए गए हैं, जो किसी धर्म संघ से नहीं जुड़ा हुआ है, ये एक अहिंसक आंदोलन है। और राजा राममोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? इंडिया गजट, बंगाल गजट, उद्दंड मार्तंड या आनंद मठ? तो ये सभी समाचार पत्र हैं, मगर पहला पूछा है भारत का तो वो है इंडिया गजट। इंडिया गजट की स्थापना 1734 ईस्वी में हुई थी। बंगाल गजट है ये 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उद्दंड मार्तंड जो है ये 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जो हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित स्थापित है। इसमें वंदे मातरम गीत संकलित किया गया है। अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी हरिश्चंद्र मुखर्जी की है, हिंदू पेट्रियट व ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है, सोम प्रकाश आदि पत्रों का संपादन भी किया गया था। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1800 ईस्वी में श्री रामपुर कोलकाता से छापे खाने की शुरुआत की गई थी। राजा राममोहन राय ने प्रेस की आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। केशव चंद्र सेन ने सामाजिक समानता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हिंदी के प्रयोग पर बल दिया था।
फोर्थ है विवेकानंद ने क्षेत्रीय में वेदांत का उपदेश दिया था। तो यहाँ इन विकल्पों में जो गलत कथन है वह ऑप्शन है चार, विवेकानंद क्षेत्रीय आए जरूर थे मगर यहाँ उन्होंने वेदांत का उपदेश नहीं दिया था। क्षेत्रीय महाराज ने ही नरेंद्र दत्त को विवेकानंद नाम दिया था। तो ये वेदांत का उपदेश इन्होंने क्षेत्रीय में ना देकर जो शिकागो में 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो अमेरिका में, वहाँ उन्होंने वेदांत का उपदेश दिया था। क्रांति 1857 से संबंधित सत्य कथन नहीं है। यहाँ चार कथन हैं इस क्रांति से संबंधित जो गलत है वो बताना है। ब्रिटिश विद्वानों ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह या फिर गद्र कहा है। भारतीय सैनिकों को 9 रुपये और अंग्रेज सैनिकों को 60-70 रुपये मासिक मिलते थे, इस कारण ये क्रांति शुरू हुई। हाउस ऑफ कॉमन्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष मेगलस ने कहा था कि उन्हें देवयोग से भारत मिला है। क्रांति की असफलता का जो प्रमुख कारण है वो निश्चित योजना का भाव माना जाता है। तो इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन चार है, क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण निश्चित योजना का भाव नहीं बल्कि अभाव माना जाता है। भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजना हिंदू धर्म के विरुद्ध था। 64 नंबर क्वेश्चन है कि क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी जो लखनऊ को पुनः जीतने में सफल रहे थे वो कौन थे? जॉन निकल्सन व हेनरी लॉरेंस, हेवलॉक व आउटड्रम, हडसन व कैंपबेल, ह्यूरोज व नील। तो इसमें से जो सही कथन है वो है ऑप्शन ए, जो लखनऊ को जीतने में सफल हुए थे। हेवलॉक व आउटड्रम जो थे इन्होंने, सॉरी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दो, हेवलॉक व आउटड्रम जो हैं इन्होंने क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी ये थे और इन्होंने लखनऊ को पुनः जीतने में ये असफल रहे थे। जॉन निकल्सन व हेनरी लॉरेंस जो थे ये दिल्ली और लखनऊ विद्रोह में इन अधिकारियों की मृत्यु हो गई थी। जॉन निकल्सन दिल्ली से संबंधित, हेनरी लॉरेंस लखनऊ से संबंधित। हडसन व कैंपबेल ये जो थे इन्होंने बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों व 1 पोते को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। लखनऊ व कानपुर पर इनके द्वारा पुनः अधिकार किया गया। लखनऊ पर हडसन ने और कानपुर पर कैंपबेल ने अधिकार किया। ह्यूरोज जो थे इन्होंने झांसी और नील ने बनारस पर पुनः अधिकार किया था। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, विद्रोहियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया था, परंतु सितंबर में अंग्रेजों द्वारा पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था। लखनऊ में 4 जून को क्रांति हुई। कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से मार्च 1858 को इस लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया था। विद्रोहियों ने 5 जून को कानपुर पर अधिकार कर नाना साहब को पेशवा घोषित किया था। 6 दिसंबर को कैंपबेल ने पुणे कानपुर पर अधिकार कर लिया था। जून में विद्रोहियों ने झांसी में लक्ष्मीबाई को रियासत का शासक घोषित किया। अप्रैल 1858 को ह्यूरोज ने झांसी पर पुनः अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, हैदराबाद में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे व मौलवी सैयद अलाउद्दीन, या फिर ऑप्शन दो है भीमराव व मुंडरगी छोटा सिंह द्वारा, या ऑप्शन थर्ड है अन्नाजी फडणवीस द्वारा, ऑप्शन फोर्थ है लियाकत अली खान व मोहम्मद मौलवी अहमद उल्लाह। तो हैदराबाद में क्रांति का नेतृत्व है सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे व मौलवी सैयद अलाउद्दीन ने किया था।
भीमराव व मुंडरगी छोटा सिंह ने कर्नाटक से क्रांति का नेतृत्व किया। अण्णाजी फडणवीस ने कोल्हापुर से क्रांति का नेतृत्व किया। लियाकत अली खान ने इलाहाबाद से और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कथनों में से असंगत कथन का चयन करना है। पहला है इंडिया नेशनल कांग्रेस 1858 के बाद भारत में चल रहे राजनीतिक विकास का परिणाम था। इसकी स्थापना में अंग्रेजों का उद्देश्य था कि भारतीयों के मन में क्या चल रहा है उसकी जानकारी प्राप्त करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 78 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उदारवादियों के समय कांग्रेस पर समृद्धिशाली मध्यम वर्गीय व बुद्धिजीवियों का अधिकार था। तो यहाँ जो असंगत कथन है वो है ऑप्शन ए थर्ड। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 1885 को हुआ था उसमें 78 प्रतिभागियों ने नहीं बल्कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो यही ऑप्शन है, गलत है। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें चार उद्देश्य रखे गए थे। एक तो राष्ट्र की उन्नति में लगे लोगों को आपस में परिचित होने का अवसर देना, दूसरा था आने वाले वर्षों के कार्यक्रम पर विचार करना, और तीसरा था ब्रिटिश शासन के प्रति पूरी निष्ठा और भक्ति रखते हुए इंग्लैंड की संसद द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के विरुद्ध किए जाने वाले भारत सरकार के कार्यों का विरोध, और चौथा था अप्रत्यक्ष रूप से यह संगठन भारतीय संसद का रूप ग्रहण करेगा तथा इस बात का भी उचित जवाब देगा कि अंग्रेजों की जो सोच है, अंग्रेजों की सोच की भारत के चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था की योग्यता नहीं रखते हैं। ये अंग्रेजों ने सोचा कि भारतीय जो लोग हैं वो संविधान निर्मित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन। उदारवादी नेता कौन से नहीं थे? तो कांग्रेस दो भागों में बटी थी, नरम दल और गर्म दल। नरम दल वाले उदारवादी कहलाए और गर्म दल वाले उग्रवादी कहलाए। तो इसमें उग्रवादी नेता बताना है। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, अरविंद घोष। तो उग्रवाद से संबंधित जो नेता थे वो लाल बाल पाल और घोष थे। तो ऑप्शन चार इसका राइट हो जाएगा। बाकी दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये उदारवादी नेता माने जाते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी, दिनेशा वाचा, ये भी उदारवादी नेताओं में आते हैं। कांग्रेस काल के दो चरण माने जाते हैं। 1885 ईस्वी से 90 तक का प्रथम चरण जो उदारवादी या भिक्षावृत्ति का युग कहलाता है, और जो दूसरा चरण है वो माना जाता है 1905 से लेकर 1919 तक जो उग्रवादी या अतिवादी युग कहलाता है। उदारवादियों ने देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं की बल्कि अंग्रेजी शासन को उदारवादियों द्वारा अच्छा बताया गया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। गैर हिंदुओं को हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था कि जो भी दूसरे धर्मों के लोग हैं उनको हिंदू धर्म में लाने के लिए ये शुद्धि आंदोलन चलाया गया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू प्रथम बड़ा जो आंदोलन था वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहला नमक कानून तोड़ने के बाद 1930 ईस्वी को ये शुरू हुआ था, और गांधी इरविन पैक्ट 1931 के साथ ये समाप्त हुआ था। और दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर मिली निराशा के बाद दिसंबर 1931 में शुरू हुआ। तो दो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए गए थे गांधी जी द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह का आयोजन पवनार महाराष्ट्र में किया गया था। इंग्लैंड में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी द्वारा भाग लेने पर फ्रैंक मोरिस ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन
सन जिसमें भाग लिया था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जिसमें भाग लिया था। असहयोग आंदोलन के कारण कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था इसने, एनी बेसेंट ने, विपिन चंद्र पाल ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये असहयोग आंदोलन के खिलाफ थे और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वेवल प्रस्ताव पर विचार करने हेतु जून 1945 को शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1947 ईस्वी को इटली ने भारत विभाजन की घोषणा की थी जिसे 3 जून की योजना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल। तो महात्मा की उपाधि प्रदान करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन एक इसका राइट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी और विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था गांधी जी को। फ्रैंक मॉरिस ने अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1839 को हुआ था जो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई जो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा चलाया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 को चलाया गया था। अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 को, खेड़ा किसान भी 1918 को, चंपारण जो था वो 1917 को चलाया गया था। तो पहला आंदोलन था चंपारण किसान आंदोलन जो बिहार में शुरू किया था और किस कारण ये आंदोलन शुरू हुआ था? तीनकठिया पद्धति द्वारा ये आंदोलन समाप्त हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इस आंदोलन में इनको महात्मा की उपाधि दी गई थी। और जो पहला वास्तविक किसान आंदोलन था वो था खेड़ा किसान आंदोलन जो 1918 में शुरू हुआ था। ये भू राजस्व वसूली को कम करने के कारण शुरू हुआ था। 1918 में मजदूरों को प्लेग बोनस 35% दिलवाया था वो था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसमें मजदूर 50% बोनस की मांग कर रहे थे और मिल मालिक जो था वो 25% बोनस पर अड़ा हुआ था। तो गांधी जी ने दोनों में समझौता करवा कर 35% बोनस दिलवाया। खिलाफत आंदोलन जो था वो 1919 में तुर्की के खलीफा पद को समाप्त होने के कारण शुरू किया गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली व शौकत अली, तो इन दोनों अली बंधुओं द्वारा नेतृत्व किया गया था। इतिहास का जो पिता है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन गलत कथन है उसको ढूंढना है। पहला है होम रूल लीग का उद्देश्य था अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर स्वायत्तता की मांगों को लोगों तक पहुंचाना। रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करना है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की मदद करने के कारण अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी जो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने वापस लौटा दी थी। चौथा ऑप्शन है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो इसमें जो असत्य कथन है वो ऑप्शन 4 है। गांधी जी 1893 को दक्षिण अफ्रीका गए थे, 1915 ईस्वी को वो वापस लौटे थे और
उनके वापस लौटने के कारण प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1893 को गए थे और 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे और प्रवासी भारतीय दिवस उस दिन मनाया जाता है। असहयोग आंदोलन में 30,000 और सविनय अवज्ञा आंदोलन में 60,000 व्यक्ति जेल गए थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से बड़ा आंदोलन था। 71 नंबर क्वेश्चन है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी का सहयोग किसने दिया था? राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई व जे बी कृपलानी, या फिर वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याग्निक, या फिर मिल मालिक अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बहन, फिर या फिर राम कुमार शुक्ल। तो आप सोचोगे कि ऑप्शन थर्ड है, ये तो खुद मिल मालिक की बहन है तो ये तो सहयोगी हो ही नहीं सकती, बल्कि सही आंसर यही है, इन्हीं ने गांधी जी का साथ है इस आंदोलन में दिया था। ये जो है राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और जे बी कृपलानी, इन्होंने चंपारण आंदोलन में सहयोग दिया था। वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक ने खेड़ा आंदोलन में गांधी जी का सहयोग दिया था। और राम कुमार शुक्ल जो है, इनके द्वारा गांधी जी ने चंपारण आने का आग्रह इन्होंने गांधी जी को दिया था। खिलाफत आंदोलन 10 अगस्त 1920 को शिब्र की संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है, असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के विरोध में शुरू किया गया था। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन किया था। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन जो सितंबर 1920 में हुआ था उसमें असहयोग का प्रस्ताव रखा गया था। बारदोली में असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा को बोस ने कष्टकारी बताया था। बोस कौन से? सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें सत्य कथन नहीं है, वो है ऑप्शन एक। असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के विरोध में शुरू नहीं हुआ था, बल्कि ये उसके समर्थन में शुरू किया गया था। चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने जो स्वराज पार्टी गठित की थी वो 1923 ईस्वी में की थी, जिसके अध्यक्ष थे ये उनके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और महासचिव बने थे मोतीलाल नेहरू। और जो ऑप्शन थर्ड है, कलकत्ता अधिवेशन जो विशेष अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, वह समर्थन मोतीलाल नेहरू व अली बंधुओं ने किया था। और जो बारदोली में असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा को बोस ने कष्टकारी बताया था, ये चोरा चोरी घटना के कारण 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस ले लिया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को इरविन की अध्यक्षता में हुआ और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था वो 17 नवंबर 1932 को हुआ था। आगे फैक्ट है, 1928 ईस्वी को कर न देने के विरोध में बारदोली में आंदोलन शुरू हुआ, तो वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। कस्तूरबा गांधी भी इस आंदोलन में शामिल थी, जो महात्मा गांधी की पत्नी थी। असहयोग आंदोलन नागपुर के वार्षिक अधिवेशन जो दिसंबर 1920 को हुआ था उसमें विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में वो पारित हुआ। इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे मोहम्मद अली। 73 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ असत्य कथन बताना है। गांधी जी ने कहा था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी परंतु मुझे पत्थर मिले, अब इंतजार की घड़ियाँ समाप्त हुई।
ऑप्शन दो है, गांधी जी 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी पहुंचकर इस आंदोलन को समाप्त किया। ऑप्शन थर्ड है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में हुआ था। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजपूताना जहाज से वो लंदन गए थे। तो इसमें असत्य कथन जो है वो है ऑप्शन दो, गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी पहुंचकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी, ना कि समाप्त। ये दांडी जो यात्रा थी ये 12 मार्च से शुरू होती है और 6 अप्रैल तक चलती है। 6 अप्रैल 1930 को वहाँ नमक बनाकर उन्होंने अंग्रेजी कानून को तोड़ा था। ऑप्शन एक जो है, ये जनवरी 1930 ईस्वी को इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे गांधी जी के द्वारा रखी गई थी, तो वो मांगे ठुकरा दी गई। तब गांधी जी ने ये कहा था कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी, मगर मुझे पत्थर मिले। ऑप्शन थर्ड जो है वो है, उससे संबंधित है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया था, गांधी इरविन समझौते के तहत ये आंदोलन समाप्त हुआ था। ऑप्शन फोर्थ है, गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। बीकानेर के महाराज गंगा सिंह देशी रियासत से संबंधित थे, मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल से संबंधित, भीमराव अंबेडकर दलित की ओर से भाग लेने वाले थे। भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इसमें गांधी जी को निराशा मिली थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और उन्होंने 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। यह आंदोलन असफल होने से 1933 ईस्वी को कांग्रेस की सदस्यता से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट, मुक्ति दिवस समझौता, अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ समझौता। तो अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना पैक्ट होता है 1932, 26 सितंबर 1932 को। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को इसके तहत समाप्त किया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की, वो सांप्रदायिक पंचाट समझौता हुआ था, जिसके विरोध में गांधी जी ने 20 सितंबर को येरवदा जेल में अनशन किया था। और जो मुक्ति दिवस समझौता है, मुक्ति दिवस जो है इसको धन्यवाद दिवस भी कहा जाता है, ये 23 दिसंबर 1939 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा शामिल करने पर भारतीयों द्वारा इनका विरोध किया गया था, और उन्होंने मुक्ति के लिए मुक्ति दिवस मनाया था। अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ समझौता 1932 ईस्वी को घनश्याम दास बिड़ला द्वारा किया गया था, जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 75 नंबर क्वेश्चन है, धरासना में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरोजनी नायडू, अली इमाम साहब व मणिलाल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, टी के माधवन, के केलप्पन, यदुनाथ नागा व गेडेनल्यू, अब्दुल गफार खां। तो धरासना से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था सरोजनी नायडू, अली इमाम साहब और मणिलाल के द्वारा। दक्षिण भारत में नेतृत्व किया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, टी के माधवन, के केलप्पन। और पूर्वोत्तर भारत से नेतृत्व करने वाले थे यदुनाथ नागा व गेडेनल्यू। ये पूर्वोत्तर भारत मणिपुर से संबंधित है। नागा, यदुनाथ नागा इसमें शहीद होते हैं, वह गेडेनल्यू को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि प्रदान की थी, जिसे कारावास हुआ था। अब्दुल गफार खान जो है, इसने पश्चिमोत्तर मतलब पेशावर से संबंधित
नेतृत्व किया था। इनको सीमांत गांधी, बादशाह खान, फ्रंटियर गांधी खुद कहा जाता है। इन्होंने खुदाई खिदमतगार व लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी। 76 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? इसे दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील के समान बताया। इसे उत्तर दिनांकित चेक या डूबते टूटते दिवालिया होते हुए बैंक बताया, या मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, या फिर सौरमंडल का सितारा डूब गया। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था, वो था ऑप्शन दो, इसे उत्तर दिनांकित चेक या डूबते टूटते दिवालिया होता हुआ बैंक कहा था। क्रिप्स मिशन जो था वो एक सदस्यीय आयोग था, इसमें केवल एक ही व्यक्ति था जिसने भारत संघ के निर्माण की बात की थी। क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च को होती है और ये 23 मार्च 1942 को भारत आता है, और 30 मार्च को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने इसकी रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। ऑप्शन एक जो है, दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील, ये जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव 1940 को ये बात कही थी। गवर्नर जनरल उस टाइम थे लिन लिथगो। ऑप्शन थर्ड है, मैं देश की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहा हूँ, ये भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कहा था। ऑप्शन फोर्थ है, सौरमंडल का सितारा डूब गया, ये लाला लाजपत राय के देहांत पर कहा गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में की गई थी, जिसके संस्थापक रास बिहारी घोष थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानाडे ने 1867 ईस्वी को बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था, और जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था, आराम हराम है। 77 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या माना जाता है? ऑप्शन एक है, क्रिप्स मिशन की असफलता। ऑप्शन दो है, जापान का भारत पर आक्रमण करने का भय। ऑप्शन तीन है, कांग्रेस की नीतियां और कार्यक्रमों की असफलता। ऑप्शन चार है, महंगाई का बढ़ना व आर्थिक शरणार्थियों के साथ भेदभाव की नीति। तो इसका जो मुख्य कारण है वो माना जाता है क्रिप्स मिशन की असफलता। गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम से जनता को करो या मरो का मंत्र दिया था। 78 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी को हुआ था, इसका प्रस्ताव कब पेश किया गया? 14 जुलाई, 7 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पेश किया गया था वो किया गया था 7 अगस्त 1942 को, और कहाँ से? ग्वालियर टैंक मैदान बम्बई से ये प्रस्ताव पेश किया गया। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष थे। फिर 14 जुलाई को क्या हुआ था? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी द्वारा इसे वर्धा महाराष्ट्र में पारित किया गया था। फिर 8 अगस्त को क्या हुआ? कुछ संशोधनों के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास कर दिया। 9 अगस्त को क्या हुआ? सुबह ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी सहित बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट फैक्ट है, गांधी जी ने अपना अंतिम संघर्ष भारत छोड़ो आंदोलन को बताया था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल व भारत के वायस राय लेन लिथगो थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भूमिगत रहते हुए बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन का सफल नेतृत्व किसने किया?
किया था कि सभी के सामने ना आकर भूमिगत रहते हुए, और यहाँ पूछा है बम्बई से, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली। तो भूमिगत रहते हुए आंदोलन तो सभी ने किया है, मगर यहाँ बम्बई की बात हुई है तो वो है अरुणा आसफ अली। और एक अन्य नेता और थे जो भूमिगत रहते हुए आंदोलन कर रहे थे, वो थे रामानंद मिश्रा। एस एम जोशी, बिजू पटनायक, सुचेता कृपलानी, ये भी अन्य नेता थे जो भूमिगत रहते हुए आंदोलन कर रहे थे। एक्स्ट्रा फैक्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा और गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई का निधन हो गया था। बारिंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त ने 1907 ईस्वी को अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। 80 नंबर क्वेश्चन है, बलिया यूपी में, जो बलिया यूपी का है, वहाँ समानांतर सरकार की स्थापना या नेतृत्व किसने किया था? तो समानांतर सरकार की स्थापना के नेतृत्वकर्ता कौन थे? चित्तू पांडे, वाई बी चैनवाण, मातंगिनी हाजरा, उषा मेहता व बाबू बाई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चित्तू पांडे। और जो वाई बी चैनवाण है, इन्होंने दीर्घकालीन सरकार की स्थापना की थी सतारा महाराष्ट्र से। मातंगिनी हाजरा ने जातीय सरकार की स्थापना की थी तमलुक पश्चिमी बंगाल से। और उषा मेहता व बाबू भाई ने बम्बई व नासिक से रेडियो केंद्रों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की स्थापना कब की गई थी? कैबिनेट मिशन की स्थापना बताना है 10 जुलाई 1946, 14 जून 1945, 24 मार्च 1946, 16 अगस्त 1946। तो कैबिनेट मिशन की स्थापना 24 मार्च 1946 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एक तो अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। 10 जुलाई 1946 को चित्रंदास फार्मूला निर्मित हुआ। जिन्ना ने इसे सड़ा गला बताकर ठुकराया, तो गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम कहा था। 14 जुलाई 1945 को वेवेल योजना प्रस्तावित हुई थी। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। पटेल ने इस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में विभाजन की बात कही थी। शिमला सम्मेलन जो हुआ वो 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य हुआ था। बम्बई में इंडियन रॉयल नेवी के सैनिक बीसी दत्त ने INS तलवार जहाज पर भारत छोड़ो लिख देने से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो नौसैनिक विद्रोह शुरू हो गया, जिसमें 3 झंडे एक साथ नजर आए, कांग्रेस का तिरंगा, मुस्लिम लीग का हरा और साम्यवादी दल का लाल। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? तो यहाँ 4 कथन है, उनमें से गलत कथन आपको ढूंढना है। पहला है, एटली घोषणा पत्र में कहा गया था कि जून 1948 को भारत स्वतंत्र देश बन जाएगा। ऑप्शन 2 है, माउंटबेटन योजना में योजना ने माना कि भारत की समस्या का समाधान भारत पाक विभाजन से ही होगा। इस योजना में ये माना गया था कि भारत पाक का विभाजन जरूरी है। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता के बाद भारत के गवर्नर जनरल विस्काउंट वेवेल बने थे। तो इसमें जो गलत कथन है वो ऑप्शन 4 है। स्वतंत्रता के बाद भारत के जो गवर्नर जनरल बने थे वो विस्काउंट वेवेल ना होकर माउंटबेटन थे, और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। माउंटबेटन योजना जो है ये 20 फरवरी 1947 को हुई थी।
और जो इटली घोषणा पत्र हुआ था 20 फरवरी 1947 को, और उसमें ये कहा गया कि जून 1948 को भारत स्वतंत्र देश बन जाएगा। माउंटबेटन योजना ने भारत पाक विभाजन के बारे में 3 जून 1947 को कहा था। पाक प्रधानमंत्री लियाकत अली बने थे 14 अगस्त को। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इसके प्रधानमंत्री लियाकत अली और गवर्नर जनरल जिन्ना बने थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई को पेश हुआ तथा 18 जुलाई को ये पारित किया गया। इसी के साथ यूनिट 3 के 82 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इस यूनिट से आने वाले 5 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।